गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी की बहुत ज्यादा इंक्वायरी थी कि सर बहुत लंबे समय से आपकी माइक्रोस्कोप की कोई वीडियो नहीं आई है। एक अच्छे ब्रांड में, एक अच्छे प्रीमियम क्वालिटी में, एक अच्छी क्लियरिटी वाला माइक्रोस्कोप चाहिए। तो आज मैं आपको बिना टाइम पास किए, बिना टाइम वेस्ट किए एक ऐसी माइक्रोस्कोप दिखाने वाला हूं जो आपके लिए लंबे समय तक भी चलेगी, आपके आईज को भी प्रोटेक्ट करेगी, आपको प्रीमियम क्वालिटी भी मिलेगी और उसमें ऐसे ऐसे फीचर्स होने वाले हैं और साथ में उसमें गिफ्ट भी मिलने वाला है आपको। तो इस वीडियो को आप अगर एंड तक नहीं देखते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आज है हमारे पास आईवन कंपनी की माइक्रोस्कोप I176750T। अब क्या होता है 750T में, क्या निकलने वाला है, बॉक्सिंग में क्या क्या होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये इस तरीके का पैकेट है, सबसे पहले हम इसे खोलेंगे। अब खोलते ही सबसे पहले जो हमारे सामने आएगा वो है इसका एक नाइस लुकिंग वाला बेस, जिसे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, सुपर्ब लगता है। एरिया स्पेस जो आपको दिया हुआ है काम करने के लिए बहुत बेस्ट है, ये चीज आपको इसमें मिलेगी। साथ में आपको एक एलईडी का चार्जर आपको इसमें मिल जाएगा। और अब हम इसे निकाल लेते हैं बॉक्स से बाहर। तो अब इसमें देखेंगे इसमें आपको क्या क्या, कैसे कैसे होने वाला है, क्या चीज इसके अंदर निकलती है, क्या चीज इसके बाहर निकलती है। हो गया, तो ये जब आप खोलेंगे तो कुछ आपको इस तरीके का जो है वो दिखाई देगा। अब बात करेंगे इसमें क्या होने वाला है। सबसे पहले ये देखो, ये आपको एक न्यूली डिजाइन जो है आपको इसका हेड मिल जाएगा, जहां इसमें लिखा हुआ भी है I175T इसका मॉडल है। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक 750T आता है, एक 760 आता है। दूसरे मॉडल की अनबॉक्सिंग भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप पहले इसे देख लीजिए। आपको इसका डिजाइन जो है लुकिंग वाइज जो है वो एकदम मिलेगा, फोकस इज योर हैंड, ठीक है। इसमें प्रॉपर ये आपको सारा सिस्टम मिल जाएगा। अब दो चीज जो इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है वो है ये जादू की छड़ी। क्या आप जितने भी माइक्रोस्कोप किसी भी ब्रांड में लेते हैं तो आप देखेंगे उसमें आपकी जो उंगली है वो पूरी की पूरी चली जाती है, लेकिन इसमें क्या है आईज पे प्रोटेक्शन लगा हुआ है। अगर मैं और बात करूं तो ये देखो, मैं आपको इसे और खोल के दिखाऊंगा। ये देखिए, इसमें आपको दिख जाएगा कि यहां भी आईज पे प्रोटेक्शन लगी हुई है, जो किसी भी माइक्रोस्कोप में नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी चलने वाली माइक्रोस्कोप जो चलनी थी 4 साल वो सिर्फ 1 साल चल के रह जाती है। तो आपको ये इसमें जो है वो बेस्ट आपको दोनों चीजें इसमें मिल जाएंगी। और साथ में रबड़ भी इसमें जो है वो यहां लगी हुई है। तो ये तो था हमारा हेड, और क्या क्या मिलने वाला है। अब इसमें आपको इंक्लूडिंग इसी के अंदर ओरिजिनल आपको 0.5 का लेंस भी साथ में मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं आईज लेंस की। तो आईज लेंस जो आप बोलते हैं डबल जूमिंग या 7x2 23, ये देखिए, लेकिन मैं कहूंगा आप इसे ऊपर से और देखें। इसमें क्या है आपको ऊपर से देखने पे पता चलेगा, सेम सॉफ्टटॉप वाली क्वालिटी और क्लियरिटी आपको इसमें जो है मिल जाएगी। तो ये था हमारा आईज लेंस, साथ में आपको एक डस्ट प्रोटेक्शन लेंस भी मिलता है और आपको आईज रबड़ भी मिलती है, साथ ही साथ 0.5 का CTV लेंस भी आपको मिल जाता है और इसके साथ आपको आईज रबड़। अब बात आती है इसकी एक और मोस्ट यूनिक फीचर्स की, और क्या इसमें आपको औरों से अलग मिलता है, तो वो है इसकी ये माइक्रोस्कोप की लाइट जो इसे औरों से अलग और बेहतर बनाती है, वो है इस तरीके की ये कि आपको जो लाइटें मिलती हैं वो सीधी लग जाती है, लेकिन इसे आप एडजस्टेबल लाइट के द्वारा कर सकते हैं, ये भी CTV लेंस। और अब हमारा आ गया मैं आर्म स्टैंड। अब आर्म स्टैंड पे ये देखिए, आपको एक चीज दिखाऊं, आप जितनी भी माइक्रोस्कोप में देखते हैं अक्सर आपका ये खराब हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है आपको जो मिलने वाला है वो प्रॉपर एक सिल्वर का मिलने वाला है जो जल्दी से खराब नहीं होगा, और ये आप कितना भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको इसकी दिखाएंगे क्लियरिटी कैसी होने वाली है, क्वालिटी कैसी होने वाली है। तो माइक्रोस्कोप सेटअप करना है तो मैं बताने वाला हूं क्या करना है। सबसे पहले आपको ये रोड लेनी है, इसके अंदर आपको इस तरीके के 3 स्क्रू मिलेंगे, ये स्क्रू आपको इस Allen की से सिर्फ और सिर्फ सेट करने, ये आपका स्टैंड लग जाएगा।
अब आपको बहुत भाई हमारे गलती करते हैं कि वो आर्म स्टैंड को ऐसे लगा देते हैं, जबकि आपको ये ऐसे लगाना है। हमेशा ये जो इसका भारी वाला स्पेस है वो नीचे रखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये यहां लगा देना है। और अब बात करेंगे हम दूसरी कि अब इसमें एक चीज और, 7x50 की जितनी भी माइक्रोस्कोप आती है अगर आप उसमें आईज लेंस लगाते हैं तो वहां ना ये स्क्रू नहीं होता। इस माइक्रोस्कोप में आपको ये स्क्रू भी मिलने वाला है। ये पहचान होती है एक प्रीमियम प्रोडक्ट की, प्रीमियम क्वालिटी की, जो सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया हो। अब इसे और दिखाते हैं, ये हमने इसमें लगाएंगे आईज लेंस और इसमें ये एक स्क्रू आता है। हर माइक्रोस्कोप में ये एक ही आता है कि आप इसे किसी भी साइड किसी भी एंगल में अपने हिसाब से लगा सके। तो ये अब मैंने लगा लिया है अपना स्क्रू, एक और आईज लेंस में इसमें फिट कर लेता हूं और सारी चीजें क्लियरिटी कैसे होने वाली है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको मदरबोर्ड लेके आना, मैंने लगा चुका हूं। अब मुझे इसमें लगानी है लाइट और प्लस, देखो अभी मैंने आपको कहा था ना कि आईज प्रोटेक्शन के साथ साथ इसमें एक और बेनिफिट क्या मिलता है, आओ पास में दिखाता हूं। ये देखो जितने भी सीटीवी लेंस वाले माइक्रोस्कोप होता है उसमें सीधा ये डस्ट दिखती है और डस्ट दिखने के साथ साथ इसमें ये खराब हो जाता है, लेकिन आपको ये देखो इसमें लगा हुआ है लेंस जो आपके माइक्रोस्कोप को प्रोटेक्ट करता है। इससे आपका क्या होता है कि जब आप सीटीवी लेंस ये लगा देंगे तो ये आपका जो है एकदम परफेक्टली वर्किंग करेगा। अब ये आप सीटीवी चाहें तो लगा सकते हैं, अगर आपको कैमरा लगाना है, नहीं लगाना है तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिफाइन करता है। तो अब मुझे जो है इसमें एक 0.5 का हाइट लेंस लगाना है ताकि मुझे हाइट मिल सके। हमेशा एक चीज और ध्यान रखें, अगर आपको ज्यादा हाइट चाहिए तो आपको 0.5 का लेंस बेस्ट रहता है और आपको कम हाइट चाहिए तो आपके लिए 0.7 का लेंस जो है वो बेस्ट रहता है। ठीक है, ये अब हमारी हो चुकी है माइक्रोस्कोप, अब हम करेंगे लाइट की तैयारी। लाइट कैसे लगानी है आपको, इसके स्क्रू पूरे ढीले कर लेने हैं और उसके बाद आपको मैं इसकी क्लियरिटी जो है वो प्रॉपर एक एंगल से मदरबोर्ड पे कैसे दिखने वाली है वो भी दिखाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसके कैमरे के साथ आपको लेके आऊंगा, जो इसका ऑटो फोकस वाला कैमरा आता है। i1 का कोई भी प्रोडक्ट आप बिना सोचे बिना समझे ले सकते हैं क्योंकि ये बेस्ट और प्रीमियम ब्रांड है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी माइक्रोस्कोप को एक काम दो तीर, यानी कि ये आपने ऐसे करना है और ये लीजिए, ये अब हमारी हो गई माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस लाइट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसे अगर यहां लगाना चाहें तो यहां लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे यहां से ना लगा के भी साइड एंगल देके और साइड एंगल वाली जो लाइट आपको एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ती थी ये उसका आपका पैसा बचा देता है। तो अब मैं आपको इसकी क्लियरिटी दिखाने वाला हूं, कैसी इसकी क्लियरिटी मिलेगी। बंद कर दो, मैंने कर लिए ये माइक्रोस्कोप सेट और अब मैं आपको इसकी क्लियरिटी दिखाने वाला हूं। इसका एक और सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगा वो ये है कि हमारे ना बहुत सारे टेक्नीशियन भाई कहते हैं कि उन्हें मदरबोर्ड पे ज्यादा एरिया चाहिए होता है और कम कंपोनेंट पे काम करना होता है, तो ये माइक्रोस्कोप दोनों के दोनों एरिया को कवर करती है। तो मैं कहूंगा अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ये क्या करने वाला है। तो ये क्लियरिटी इसकी आपको मैं दिखा रहा हूं, ये क्लियरिटी आपको इसकी मिलने वाली है। थोड़ी सी क्या है कि फोन को मैंने हाथ से ही पकड़ा हुआ है इसलिए थोड़ी सेटिंग नहीं बन पा रही है। ये देखिए, ये इस तरीके से आपको जो है मदरबोर्ड इसका दिखाई देगा और अब आप इसे जूम इन और जूम आउट पे देख सकते हैं कि आप एक ही कंपोनेंट पे या प्रॉपर जो है वो जूम इन जूम आउट के साथ काम कर सकते हैं। और हाँ, इस माइक्रोस्कोप के साथ आपको एक 2500 से 3000 रुपए वाला प्रोटीन बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। अगर आप ये ऑर्डर 28 तारीख से लेके 2 दिसंबर तक यानी कि ब्लैक फ्राइडे सेल में ऑफर में ऑर्डर करते हैं तो आपको इसके साथ एक प्रोटीन बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ऑफर की डेट याद रखें 28 नवंबर से और 2 दिसंबर तक यानी कि ब्लैक फ्राइडे में ये ऑफर होने वाला है। अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं ZS मलिक टीम 8534000060 पे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया माइक्रोस्कोप है। थैंक